सब्सक्राइब करें अमित पीआर टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले शेयर मार्केट और टैक्स रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। जी हाँ, तो एक और वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित पीआर टेक्निकल। Xiaomi ने एक फ़ोन नया लॉन्च कर दिया है चीन में, तो उसके बारे में हम लोग बात करें। चीन में चीन की स्मार्ट जो कंपनी स्मार्ट मी मैक्स 4, उसने अपना नया फ़ोन लॉन्च कर, इसका नाम है, उन्होंने अंडर पैनल CUP नाम दिया है। इसके साथ इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। इसमें कैमरा जो है डिस्प्ले के अंदर छिपा हुआ है। और अगर फ़ोन की बात करें तो इसका लुक तो बहुत ही डिज़ाइन इसका बहुत ही बेस्ट है और देखने में इसका लुक बहुत ही प्रीमियम लगता है और यहाँ पर एकदम बेहतरीन लुक दिखने को मिल रहा है। इसमें इस स्मार्टफोन में 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ CNY चार इसकी जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई चीनी वन में 4,999 रुपये, जो 57,000 के करीब में आता है। 8 GB और 256 GB रैम के साथ ये आता है। टॉप मॉडल इसका है 12 GB, 512 GB वाले का टॉप मॉडल है। आप इसको खरीद सकते हैं अभी नहीं, बट अभी भारत में भी लॉन्च होगा जल्दी ही। तो इसका डिज़ाइन अगर हम लोग बात करें, डिज़ाइन में फ्रंट कैमरा देखिए इसमें डिस्प्ले में के अंदर छिपा हुआ है, जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको छिपाया गया है। डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल है। साथ ही हम लोग बात करें स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर बेस MIUI पर चलता है। 6.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले दी गई है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले पैनल इसमें इस्तेमाल किया गया और 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ओक्टा कोर 888 प्रोसेसर लगाया गया, इसमें 8 कोर का प्रोसेसर है। 108 MP मेन कैमरा है और इसमें फ्री फ्रॉम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यानी 13 MP का लगाया गया और 120 FOV एपेचर 2.2 से 6.6P लेंस इसमें इस्तेमाल किया गया है। कैमरे की बात करें तो मी मैक्स 4 में ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप दिया गया। इसमें 8 MP का प्राइमरी कैमरा, 13 MP का सेकेंडरी सेंसर और 8 MP का अल्ट्रा वाइड शूटिंग सेंसर दिया गया है। इसके साथ ही सेल्फी के लिए इसमें 20 MP का कैमरा दिया गया जो CUP टेक्नोलॉजी पर बेस है। यानी कंपनी का दावा है कि पिक्सल डेंसिटी, ब्राइटनेस और कलर डिटेल को अच्छी तरह से साउंड स्क्रीन सराउंडिंग स्क्रीन में अच्छे से ये था और इसका जो फिर रेफ्रेश रेट है ये भी बहुत अच्छी है और इसमें जो साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। 120W का चार्जर आता है इसके साथ में। डिफॉल्ट मोड 21 मिनट में 100% फोन को चार्ज कर देता है ये। साथ ही हम लोग स्मार्टफोन में 512 GB का स्टोरेज भी दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G 4G और वाईफाई 6 का सपोर्ट दिया गया है। GPS, ब्लूटूथ, USB-C टाइप और UWB का भी सपोर्ट इसमें दिया गया है। इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। सर, इसके लुक अगर बात करें, फ्रंट कैमरा का जो लुक है और जो रियर कैमरा का लुक है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो आपका जो कैमरा बैक कैमरा जो दिया गया है उसका जो लुक है बहुत बेहतरीन, दिखने में अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है और ये प्रीमियम लुक भी देता है। देखते हैं कि फ़ोन के कुछ इमेजेस एंड एंजॉय करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।